वेलकम टू माई चैनल। कैसे हुआ आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है 25 जुलाई यानी कि आज है सैटरडे। और अभी आप लोग टाइम देखिए, शाम की 6 बजने वाली है और जस्ट मैं अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा हरियाली तीज के बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मतलब एक दिन का गैप मैंने दिया, तो सोचा मैंने चलो आज फिर ब्लॉग अपने स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और अभी जस्ट मैं जा रही हूँ नीचे चाय बनाने। मे भी सभी लोग शाम के टाइम पे चाय पीते होंगे क्योंकि हिन्दुस्तान में तो सभी चाय पीते हैं, चाय के लवर तो हिन्दुस्तान में भर भर के हैं। तो चलो ज्यादा अभी मैं इंट्रो में अपनी ज्यादा वीडियो नहीं खींचूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, उसके बाद मे भी मैं जाऊंगी पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाने क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार को हम हमेशा ही पीपल के पेड़ पे जोत वगैरह जलाने जाते हैं। चलिए गाइस, अभी चलती हूँ नीचे और रेडी में हो गई हूँ। और आज मैंने न्यू टी शर्ट पहनी है। ये टी शर्ट मैंने खुद अपने आप को मतलब बर्थडे गिफ्ट दिया हुआ है, मैंने खुद ही ली है। सो कलर थोड़ा इसका मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे लिया है, हल्का ही है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं गाइज आप लोग, कुछ इस तरीके की ये टी शर्ट है। यहाँ पे इसके हल्का सा प्रिंट है, बाकी इस तरीके की टी शर्ट है और अच्छी है, काफी अच्छी मुझे लगी तो मैंने अपने लिए ले ली गाइज। तो चलिए गाइज, अभी चलती हूँ मैं नीचे, बनाती हूँ चाय सबके लिए, उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। ओके बाय गाइज। नीचे जाने से पहले मैं आप लोगों को वेदर दिखाती हूँ। यहाँ पे काफी अच्छा वेदर हुआ है, मतलब हुआ है, मे भी बारिश आएगी, बट आज तो पूरा दिन बारिश था नहीं, गर्मी तो हो रही थी बट फिर भी बारिश आएगी, दिखाती हूँ आपको। देखिए, देख रहे हो आप लोग, नीम का पेड़ की जो पत्तियां ना ऊपर की हल्की हल्की सी मतलब हिल रही हैं, थोड़ी बहुत हवा चल रही है, ज्यादा यहाँ पे हवा नहीं है, बट मे बी देख मौसम को देख के लग रहा है कि शायद से आ जाए बारिश। सो देखिए थोड़ा सा वेदर आपको दिखा देती हूँ। आजकल घर के आगे मतलब ये ग्रीनरी हुई है ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा, क्योंकि हमारे गाँव में जहाँ पे मैं रहती हूँ उत्तराखंड में, वहाँ पे तो हरियाली ही हरियाली है, बहुत अच्छा, मतलब मन वहाँ पे ऐसा हो जाता है ना, मूड बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप लोग कभी उत्तराखंड नहीं गए हो तो एक बार ज़रूर जाना उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बहुत ऐसे सारे चीज़ें हैं देखने के लिए, मंदिर है वहाँ पर, देवभूमि है, तो आप लोग भी वहाँ पर जाइएगा, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, मतलब बहुत से वहाँ पर मंदिर हैं, आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, यात्रा करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो देखिए गाइस, हमारे अमरूद के पेड़, हमने इसके अमरूद भी निकाल दिए। और गाइज मैं यहाँ पे फिर से अपने प्लांट्स लेके आ गई हूँ क्योंकि दो चार दिन से, मतलब जब से मेरा बर्थडे था तब उसके बाद से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी, तो मेरे को लगा कि नहीं प्लांट्स यहाँ पे रख देती हूँ अच्छे खासे हो जाएंगे, बट आज ही थोड़ा धूप थी, वैसे तो बारिश आ ही रही थी। तो देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये तो सूख गया, मेरा पेड़ नीचे से सूख गया बट ऊपर से हरियाली है। और ये एलोवेरा देखिए मेरा काफी बड़ा हो चुका है। सो चलिए अब चलती हूँ नीचे, थोड़ी बहुत हवा चल रही है, ज्यादा नहीं चल रही है, अभी चलती हूँ नीचे, टाइम ज्यादा हो गया, चाय बनानी है घर वालों के लिए, तो मिलती हूँ आपको, बाय।
तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, और यही पीपल के पेड़ के सामने पे यहाँ पे पार्क है, पार्क तो कुछ इस तरीके का है गाइस। और ये जस्ट हमारे यहाँ पे ये मंदिर आप लोग देख सकते हैं, ये मंदिर है, यहाँ पे मंदिर के जस्ट अपोजिट में है ये, और यही मंदिर हमारे घर का पास पे पड़ता है, वो काफी बड़ा मंदिर है और यही बंद है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हवा भी चल रही है यहाँ पे काफी अच्छी गाइस। वेदर देख रहे हो गाइस आप लोग यहाँ पे क्या मस्त वेदर है, अभी बड़ा अच्छा हो गया वेदर, ठंडी हवा चल रही है। तो मैं अपना मास्क लेना भूल गई हूँ और मैंने अपने दुपट्टे को ऐसे कवर करके ऐसे मैं जा रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर की बैल लेने, क्योंकि हमारे घर की बैल खराब हो गई है, घंटी मतलब बैल होती है आपको पता ही होगा, तो उसे लेने जा रहे हैं। यहीं पे सामने पे मार्केट है, जब सभी हम पीपल के पेड़ पे पूजा करके आए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये जा रहे हैं ये शॉप पे, हमें यहाँ से बैल लेनी है घर के लिए, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ हमारी घर की बैल खराब हो गई है। और गाइज आप लोग सुनाओ क्या हाल चाल आप लोगों के, आप लोग मेरी वीडियो बहुत कम देख रहे हो, क्या बात है, पसंद नहीं आ रही आप लोगों को मेरी वीडियो, बड़ी मेहनत करके बनाती हूँ, थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्स दे दिया करो आप लोग यहाँ पे। गाइज अभी जैसे मैं अभी जब चाय बनाने जाती हूँ, तो आपको दिखाया था ना मैंने कि हवा बहुत कम चल रही है, बट अभी काफी तेज हवा चल रही है, तो मतलब थोड़ा अच्छा है, बाहर का वेदर तो अच्छा है, अंदर तो वैसे ही गर्मी है। तो गाइस मैं मार्केट से आ चुकी थी और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्जी, यानी कि मैं आज चिल्ली पनीर बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने 4 से 5 शिमला मिर्च कट करके रख लिए हैं। आप लोग सोचेंगे कि मैंने बहुत बारीक क्यों कट किए हैं, वो इसीलिए क्योंकि हमारे घर में थोड़ा ज्यादा लोगों को मतलब शिमला मिर्च पसंद नहीं, इसीलिए मैंने इसे बारीक से चॉप कर लिए हैं कि ताकि ये मतलब मैं इसकी सब्जी बनाऊँ तो ये अच्छे से गल जाए और लगे भी ना कि हमने चिल्ली पनीर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे 4 से 5 शिमला मिर्च मैंने कट किए हुए हैं और 3 से 4 ग्रीन चिल्ली मैंने यहाँ पे कट की हुई है और 3 से 4 टमाटर मैंने यहाँ पे मीडियम कट करे हुए हैं, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1/2 किलो से ज्यादा ही ये पनीर है उसे कट करके रख लिया है। पनीर को कट करके मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि गाइज इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पानी आ जाता है, तो देख सकते हैं आप लोग इसमें पानी आ चुका है, तो अभी मैंने इसको कट करके रख लिया है, मैं बाद में इसे सब्जी में डालूंगी, तब मैं जो इसका पानी है उसे अलग कर दूंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल में मैंने जीरा ऐड कर लिया है। यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है गाइस, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग प्याज इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि प्याज से ही हमारी जो चिल्ली पनीर का टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा आता है, बट आप लोगों को पता है आजकल श्रावण चल रहा है तो ऐसे में हम लोग प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्याज स्किप कर दिया है। अदरवाइज अगर आप लोग श्रावण के बाद कभी इस रेसिपी को बनाते हैं या फिर आप लोग खाते हैं तो आप लोग बना सकते हैं, प्याज को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जो भी मैंने शिमला मिर्च कट किए हुए थे इनको इसमें ऐड कर लूंगी, और साथ ही साथ जो मैंने ग्रीन चिली कट की हुई थी उसे भी मैं इसमें ऐड कर लूंगी। 4 से 5 मिनट तक मुझे इसे अच्छे से तेल में फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम इसे अच्छे से तेल में फ्राई करते हैं तब जाके इसका टेस्ट 2 गुना अधिक और बढ़ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको 4 से 5 मिनट हो चुके हैं फ्राई करे हुए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, और टमाटर को भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी और कुछ देर के लिए टमाटर को ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो गाइज अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, तो मसाले में सबसे पहले मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैंने बिल्कुल नाम मात्र का बिल्कुल हल्का सा लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिली काटी हुई है इसलिए मुझे जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद मैंने इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लिया है, 1 चम्मच मैं इसमें सब्जी मसाला ऐड कर दूंगी, और आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने इसमें हींग भी ऐड कर लिया है, मे बी 1/2 चम्मच के अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें हींग भी ऐड किया हुआ है।
हींग ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी खाने, चाहे आप दाल बनाओ, सब्जी बनाओ या कोई भी चीज बना रहे हो, तो आप लोगों को हींग जरूर ऐड करना। इससे क्या होता है, जो भी हम ये सब्जी उब्जी खाते हैं ये हमारे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है और हमें गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन सारी मसालों को मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी और कुछ देर के लिए अपनी सब्जी को ऐसे ही ढक के रख दूंगी। सो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं गाइज, और अब जो मैंने इसमें ढक्कन रखा हुआ है उसे मैं निकाल दूंगी और देखूंगी कि हमारी सब्जी कितने हद तक पक चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी सब्जी पूरी तरीके से अच्छे से पक चुकी है जितना हमें पकाना है। जो ये चिल्ली पनीर होता है गाइज, इसमें हमें शिमला मिर्च को है ना, जो उसे ज्यादा गलाना नहीं पड़ता है, मतलब उसे एकदम बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा हार्ड ही रखना है। सो ऐसी हमारी सब्जी हो चुकी है और अब आप लोग देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। टमाटो केचप करना ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ना चाहें तो ना करें, बट मैं इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा ही ऐड किया है, और इसीलिए किया है कि इससे जो इसका कलर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो इसको भी मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी गाइज, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 से 2 चम्मच नमक। नमक को हमने सबसे लास्ट में ऐड करना है, पहले ऐड नहीं करना है। सो इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद जो भी मैंने पनीर कट किए हुए थे मैं उन सारे पनीर को इसमें अच्छे से ऐड कर दूंगी और सब्जी को पनीर के साथ मिक्स कर दूंगी। अगर आप लोग चाहें तो पनीर को पहले फ्राई करके भी डाल सकते हैं, काफी सारे लोग उसी तरीके से बनाते हैं, बट हमें वो फ्राई किया हुआ पनीर अच्छा नहीं लगता है। हम लास्ट में जो कच्चा पनीर होता है उसी को ही ऐड करते हैं। इससे भी काफी ज्यादा हद तक बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। एक बार आप लोग ट्राई जरूर करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर जरूर करें। तो गाइज हमारी सब्जी ऑलरेडी बनके तैयार हो चुकी है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले से ही आटा लगा के रखा हुआ है। इससे क्या होता है ना गाइज, अगर हम लोग पहले से आटा लगा के रख दें और कुछ देर के लिए उसे छोड़ दें तो हमारा आटा जो है वो अच्छे से मतलब फूल जाता है। अगर हम रोटी बनाए तो बहुत अच्छी सॉफ्ट सी रोटी हमारी बन के तैयार होती है। तो अब मेरा आटा अच्छे से फूल चुका है और मैं इसको अब अच्छे से मतलब गोल कर दूंगी और इस पे तेल वेल लगा के रोटियां बनाना स्टार्ट कर दूंगी। पनीर का इतना ज्यादा पानी आ जाता है, तो इससे मैं अभी पनीर को ट्रांसफर करूंगी दूसरे प्लेट में और ये जो पानी है इसको उधर कर दूंगी। तो गाइस ये देखिए अमरूद, जो पेड़ मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, जो हमारे घर के आगे पेड़ है, तो उस पेड़ के अमरूद है बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहे हैं। हमने निकाल दिए हैं, काफी सारे निकाल दिए हैं। वो इसलिए निकाले हमने क्योंकि अगर हम निकालेंगे नहीं तो ये ना पक्के इनके कीड़े लग रहे हैं पेड़ में और गिलहरी हुई, चिड़िया हुई, ये सारे खा लेते हैं। रात के 12 बजे मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का एडिटिंग। ये वीडियो मेरी काफी दिन पहले की है, मतलब मेरे बर्थडे की बात की ये वीडियो है, बट मैंने क्या किया इसको मतलब अपलोड ही नहीं किया, पहले हरियाली 30 की वीडियो डाल दी थी। अब मैं इसे एडिटिंग कर रही हूँ बट इसमें मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई होगी, जो कि आप लोगों को इस ब्लॉग को आने से पहले ही पता चल जाएगा। इस ब्लॉग को देख के आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की इस ब्लॉग में। सो चलिए अभी आप लोग, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ।
देखिए आप लोग 12/7 और डेट भी देखिए आप लोग 26/7/2012 मतलब रात की 12 बज रही हैं और मैं क्या कर रही हूँ ये देखिए वीडियो एडिटिंग। पता नहीं मेरा फोन हमेशा ब्लर आ जाता है, बड़ी दिक्कत करता है, देखो बहुत ब्लर कर रहा है। आप लोगों को दिखा देती हूँ कि भाई मैं कितनी मेहनत करती हूँ इन ब्लॉग को बनाने के लिए और आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते ही नहीं हो, मुझे आप लोग मोटिवेट करते ही नहीं हो, मेरे ब्लॉग को पसंद कर ही नहीं रहे हो, ना ही मेरे ब्लॉग देख रहे हो। सो गाइज थोड़ी सी तो मेरी मेहनत को, इतनी सा मेरी मेहनत को मतलब समझा करो, देखा करो कि यार बंदी 12-1 बजे तक उठी रहती है और इतनी मेहनत करती है। तो अभी ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, इस ब्लॉग को मैंने बनाना है अभी और अभी 12:08 हो चुके हैं तो मे भी मुझे लगता है कि 1 या 1.5 बजे तक ही मैं सो पाऊंगी। अभी मुश्किल है, 1 बजे तक तो मेरी एडिटिंग ही होगी, उसके बाद मैं सोऊंगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो एडिटिंग की थी, सो टाइम लग जाता है यार, सो वीडियो एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है। तो चलो मैं आप लोगों को मॉर्निंग में मिलती हूँ, सो बाय गुड नाइट। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैं कल से अपनी वीडियो को काफी कंटिन्यू कर रही थी तो मैंने सोचा चलो आज अपनी वीडियो को एंड कर दूं। तो अभी जस्ट सुबह का टाइम हो रहा है गाइस, मतलब 8:30 बज रही है और मैं जा रही थी नीचे अपना खाना पीना बनाने, यानी कि ब्रेकफास्ट बनाने, और आज है संडे तो ब्रेकफास्ट में मैं क्या बना रही हूँ वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में दिखने को मिल जाएगी। और अभी मैं इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहती हूँ तो मैंने सोचा चलो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो चलो गाइज आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।